रात्रि लगभग 10:30 बजे साहेब आलम पुत्र तैमुद्दीन साकिन उमही बुजुर्ग उर्फ मेहंदिया थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर द्वारा चेकिंग अधिकारी जो बनवारी टोला में मौजूद थे, निरीक्षक आदि समूह आदित्य समूह में हमराह कांस्टेबल अभिषेक मौर्य व कांस्टेबल राजेश यादव को सूचना दी गई कि मेरी पोल्ट्री लेयर फॉर्म मोहन मुंडेरा थाना रामपुर कारखाना देवरिया में है, वहां में 170 पेटी अंडा बेचता था जिसके बदले में 20-22 हजार रुपए मिलते थे, जिनको लेकर अपनी बहन के घर लेकू आटार जा रहा था। तभी रास्ते में बनवारी टोला के पास देवरिया की तरफ से बोलेरो गाड़ी से आ रहे अज्ञात बदमाशों द्वारा मुझे पिस्टल दिखाकर बैग में रखा लैपटॉप व रुपए लूट लिए गए। अन्य सूत्रों की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि साहब आलम उपरोक्त के द्वारा अपनी पोल्ट्री फार्म के मालिक जुल्फिकार शेख पुत्र आशिक अली साकिन मोहन मुंडेरा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया जो साहेब आलम उपरोक्त से एक ब्लैंक चेक लिया हुआ है जिसको रद्द कराने पर जुल्फिकार शेख उपरोक्त को फंसाने के नियमित में चाचा मतीन अहमद पुत्र ने आपको बता दें अंडा व्यापारी राधेश्याम बतेरिया बिहार से मिलकर षड्यंत्र रचा और इत्तला दिया जिसे पुलिस के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है। वहीं इसको लेकर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 100 संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या में कई धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। इसमें पुलिस रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हुए, ऐसी झूठी सूचना दे करके ये लोग समाज में अपाय फैला करके एक भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से सही नहीं होता। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ थाना कसे हमें मुकदमा अपराध संख्या 1179 2022 पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने बजे रात को इनकी गिरफ्तारी हुई? कल आज सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई है। किन धाराओं में इनका हुआ है? इनके ऊपर धारा जो पंजीकृत है 182 120 बी और 332 IPC। पेपरवार कोयलांचल के बहेरा गांव में CCL कर्मी मोहम्मद असलम के घर अज्ञात अपराधियों ने की गोलाबारी। एक बड़ी खबर इस वक्त की पेपरवारी से हम आपको बता रहे हैं। पेपरवार कोयलांचल से जहां बुधवार की रात्रि बहेरा गांव में CCL कर्मचारी मोहम्मद असलम के घर पर अज्ञात अपराधियों ने गोलाबारी की घटना बुधवार रात्रि की बताई जा रही है। 3 अपाची बाइक से पहुंचे 6 हथियारबंद अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के दौरान हथियारबंद अपराध कर्मियों ने टाटा पावर का काम बंद करने की धमकी दे रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी अपराधियों के पास बड़ा और छोटा हथियार था। घटना की सूचना मिलने पर पीपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार सदल व बल जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान पीपरवार पुलिस ने घटनास्थल से कोका भी बरामद किया है जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर हमीरपुर से है जहां शादी समारोह में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया जिससे सिलेंडर में आग लग गई, सिलेंडर फट गया और 22 लोग घायल हो गए। मामला हमीरपुर के रात कोतवाली क्षेत्र के लींगा गांव का है जहां शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी दौरान खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का रिसाव शुरू हो गया। जब तक लोग समझ पाते तब तक सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते सिलेंडर फट गया और आग की चपेट में करीब 22 लोग आ गए जिसमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल है। शहनाइयों की गूंज चीख पुकार में बदल गई। आनंद फानम में मौजूद लोगों ने घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए करीब 9 लोगों को उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। अन्य लोगों का इलाज जारी है। राठ तहसील में लीगा गांव है। वहाँ अभी कुछ लगभग 2 घंटे पहले शादी समारोह चल रहा था तो वहाँ ये बताया गया उन्होंने गैस लीक होने की वजह से
आग लग गई वहाँ, और आग में 22 लोग जो जल गए। उन 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गांव के थे, शेष 12 लोग राठ तहसील के दीवानपुरा फसलाना कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। और मैंने आके यहाँ हॉस्पिटल में देखा है तो यहाँ लगभग 8 या 9 लोग तो यहाँ हैं, और उनकी हालत किसी की गंभीर नहीं है, सब लोग ठीक हो जाएंगे। उनके जो जले हुए हैं वो हाथ और पैरों में वो जल गए हैं। उसके अलावा 9 लोगों को और उनके साथ उनके बच्चों को भी वहाँ उरई में रेफर कर दिया गया। हरदोई से है जहां हरदोई के संडीला में अनियंत्रित बुलेरो ने बाइक के बाद पान पर और परचून की दुकान में मारी टक्कर, जनहानि पर हुआ बड़ा आर्थिक नुकसान। संडीला ब्लॉक के सामने सड़क किनारे खड़ी बाइक में टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित बुलेरो पान और परचून की दुकान से टकरा गई, बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि लोग बाल बाल बच गए हैं, वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। खबर यूपी के बलिया जनपद के बासडीह के राजपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत समाज कल्याण विभाग तत्वाधान में शिवरामपुर स्थित बासडीह महाविद्यालय में 500 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक दूसरे के हो गए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार व आशीर्वाद देकर उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। वैवाहिक समारोह में हजारों की संख्या में जिले के अलग अलग स्थानों से लोगों ने शिरकत की। इस दौरान विधायक महिलाओं संग वैवाहिक गीत भी गाया। बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का नेतृत्व करते हुए मंगल गीत गाती हुई नजर आई। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में इतने जोड़ों का विवाह विधायक का केतकी सिंह के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। मंत्री ने कहा कि बेटियों के शादी समारोह में हुआ और उनका बधाई भी दी। वर वधु को जो प्रारंभिक समय में गृहस्थी के लिए जो आवश्यक चीजें होनी चाहिए उन सभी तरह की व्यवस्था सरकार और केतकी सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई। फिलहाल बस हो गया है, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी TTN 24 न्यूज पर खबरों का सिलसिला। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का अवसर था, यहाँ 500 जोड़े बांसडी में, आज जो है बलिया में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतने जोड़े का विवाह माननीय विधायक केतकी सिंह के नेतृत्व में यहाँ सम्पन्न हो रहा है। उसमें मैं अपनी बेटियों को और अपने जो आज के बेटियों के जिनसे शादी हो रही है ऐसे बच्चों को आज बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित था, और बहुत ही शांतिपूर्वक बड़े हर्षोल्लास के साथ लाखों लोगों की उपस्थिति में ये शादी संपन्न हो रहा है। देखिए वर वधु को जो एक आवश्यक चीज़ें जो होनी चाहिए, जो अपने प्रारंभिक समय में जो एक गृहस्थी के लिए चाहिए, वो सभी तरह की व्यवस्था सरकार और माननीय विधायक केतकी सिंह जी के द्वारा सबको उपलब्ध कराया गया है। और बहुत ही यहाँ के गणमान्य व्यक्ति सभी सम्मानित लोग यहाँ पर आज हर्षोल्लास के साथ अभी सभी बेटियों को विदाई कर रहे हैं।